ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੱਸੀ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਹਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿੰਝ ਤੇਰੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਈ ਡਿਵੋਰਸ ਯੂ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਜੈਸੀ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣੇ ਕਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਬਿਖਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ऐसी तुम्हारी मेरे नसीब में हुआ ना लीगल होना तो हो के रहूंगा कोई नहीं रोक सकता मुझे बड़ी मेहरबानी तुम्हारी बड़ा आसान किया है चेकी ना जी ये कामरान क्या कह रहा है कहाँ लेके गई थी बहू को वो मैं झूठ नहीं सुनूंगा सच सच बताना वो बोर्ड वाले बाबा जी के पास लेके गई थी दुआ करवाने के लिए तो कौन से कयामत आ गई किससे पूछ के लेके गई थी किससे इजाजत ली थी पूछना किससे था पूरा मोहल्ला जाता है बड़े पहुँचे हुए हैं वो पहुँचे हुए छोटा हुआ बदमाश है वो सारा इलाका जानता है उसे तो मुझे पता चला जिस बेहोशी के आलम में शाहीन हीरा को घर लेके गई है मैं तो सुन के ही शर्म से जमीन में गड़ गया और तुझे शर्म नहीं आई बहू को उसके पास ले जाते हुए अरे नहीं शाहीन की तो आदत है बकवास करने की वो ऐसे नहीं है ऐसे शाहीन बकवास कर रही है शर्म नहीं आती बेहया शाहीन तेरा बेड़ा गर्क हो जाए खुश हो गई है हमारे घर में लड़ाई पड़वा के ठंड पड़ गई तेरे के लिए बस चुप तुम मेरे साथ चलोगी शाहीन की तरफ से माफी मांगने इससे पहले कि शुजा को फोन करे और बात और बिगड़ जाए हमें खुद जाके माफी मांगनी चाहिए इसलिए कि गलती भी हमारी है जे हुए बुजुर्ग है कैसे तू पहुंची हुई है अरे शाहीन तुझे अल्लाह पूछे तुझे कीड़े पड़े अल्लाह पूछे तुझे हमारे घर में क्या कुछ करवा दिया तूने बिठाओ इसको मुझे घर जाना चली जाना चली जाना घर ही जाना है ना कोई बात नहीं चली जाना लेट जाओ आराम करो बेटा क्या हो गया क्यों डर रही हो कुछ नहीं है सब ठीक है तुम अपनी अम्मी के साथ हो हमारे घर में हो मेरे साथ कुछ कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ सब ठीक है मेरा बच्चा कुछ भी नहीं हुआ हम लोग तुम्हें यहाँ ले आए अल्लाह ताला ने रहम किया उन्होंने इतना कर्म किया हम सही वक्त पे वहां पहुंच गए कुछ नहीं हुआ सब ठीक है बस बस सब खैर हो गई अल्लाह ने बहुत रहम कर दिया हम पर अपना आप फिक्र ना करें पकड़े मेरा वीजा आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा लंदन बेटा यूके में भी दरख्तों से पैसे नहीं लेके रहते कि जाके शाख हिलाओगे और नोट बरसने लगेंगे जो भी होगा ना अब्बा यहाँ से तो बेहतर होगा ना यहाँ क्या रखा है सिवाय सिवाय बेरोजगारी के रुसवाई के और जिल्लत के बेटा बाहर जाओगे उन लोगों की खिदमतें करोगे वो मेहनतें करवाएंगे तुमसे और जब वहां बेइज्जत महसूस करोगे ना तो फिर अपना वतन याद आएगा शाहीन मुझे माफ कर दो बहुत बड़ी भूल हो गई गलती हो गई मुझसे पापा जो हरकत आपने की है ना उसके लिए गलती बहुत छोटा लफ्ज है मैं बड़ी बहनों हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ क्या हो गया तुम्हें उसकी बेहतरी के लिए कर रही थी ना सब कुछ जरा सा मुबशर को देखने घर गई थी और उस बाबे ने उस मौके से पूरा फायदा उठाने की कोशिश की है
अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाता। अरे कुछ नहीं होना था, तुम तो ऐसे ही। क्यों नहीं होता कुछ, जानती नहीं आप इनको? आजकल ये बाबे फायदा उठाते मौके का, बच्चियों की इज्जत से खेलने की कोशिश करते हैं, और आप जैसे लोगों ने उन पर अंधा एतबाद कर कर उन्हें और शह दी हुई है। अरे भाई पता नहीं इसको अकल समझ कब आएगी। बहरहाल हमारा सारा घर इस बात पर शर्मिंदा है और ये तुमसे माफी मांगने आई है। जिंदगी में आखिरी बार इसको माफ कर दो और हीरा को हमारे साथ घर जाने दो। नहीं सादत भाई, अब तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो बस शुजा आएगा ना तभी बात होगी, इससे पहले हीरा कहीं भी नहीं जाएगी। अरे अरे ये कैसे हो सकता है? अरे शुजा के आने तक मैं हीरा को यहाँ नहीं रखूंगी, लेकर जाऊंगी, बहू है मेरी, ये क्या बात है? मुझे आप पर हरगिज भी एतबार नहीं है। आप शाहीन देखो जिंदगी में आखिरी बार इस बात को। सादत भाई मैंने हमेशा आपकी इज्जत की और आपकी बात रखी, आपकी बात मानी, लेकिन इस मरतबा नहीं, बहुत हो गया। अगर खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो आप यकीन कीजिए हम तो कहीं के भी नहीं रहते। आप खुद इंसाफ कीजिए, मैं कैसे इन पर एतबार करूँ, कैसे अपनी बेटी इनके पास छोड़ दूँ? इस दफा मुझे मजबूर मत करें, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। सुजा तू अच्छे इस टाइम खैरता है? वो दस्ता सही की हो यार? सरदार जी मेरे अब यहां नहीं रहना, मैंने वापस जाना अपने घर, मैं अपने मुल्क जाना चाहता। वो की हो यार? जरूर तेरा प्रीति नाल झगड़ा होया, उसने धक्के देके मुझे घर से निकाला। तो मिल गया होना प्रीत नु कोई? सानिया क्या बात है, तुम इस तरह यहां क्यों खड़ी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ तबीयत खराब है तो मुझे बताओ। बहुत बुरा हुआ है कामरा। मैं जानता हूं अम्मा से मुझे भी ये तवक्को नहीं थी, लेकिन मैं फहद भाई की बात कर रही हूं। फहद को क्या हुआ? घर गई थी मैं, दरवाजे से ही बातें सुनकर वापस लौटा। क्यों? बाबा ने हाथ भाई को बाहर भेजने के लिए घर गिरवी रख दिया, और वो भी सूट पर। ये क्या किया उन्होंने, कि क्यों किया उन्होंने? प्लीज कामरान, प्लीज कुछ करो, सूद तो असल भी खा जाता है, इतनी बड़ी लानत है वो। मैं जानता हूं तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा, कल सुबह ही बात करूंगा अंकल से, वो मान जाएंगे। नहीं समझेंगे वो। तो फिर क्या करूं मैं? तुम शुजा भाई से कहो ना कि वो बात करे फाद भाई से। अच्छा,
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोलूंगा शुजा भाई को कि बात करें, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा शुजा भाई से। अंकल को ये नहीं करना चाहिए था। किरदार ओ किरदार ओ पाजी किथे आ पाजी अंदर ने पाजी मिला सद पाजी ओ की रोला पाया सवेरे सवेरे ओ की हो गया ओ पाजी पुछ पै गई मुंडा फट के ले गई पछो उसे ओ भज सुजा ओ ओ भज ओ मिस्टर सिंह ओ ओ ओ वो छाबी वो छाबी लो बेटे दूध पी लो, कल से कुछ नहीं खाया है तुमने। जनी कुछ खाना पीना। फोन उठा कर दो मुझे, नंबर मिलाओ जरा शुजा का। अम्मी आपने उनसे क्या कहना है? जो भी कहना है तुम सुन लेना, फिर मिलाओ फोन। अगर शुजा ने बुरा मान लिया तो? अरे बुरा मानता है तो मानता रहे, फोन मिला कर दो। अम्मी मुझे डर लग रहा है। तुम फोन मिला रही हो या नहीं? मुझे दो मुझे। हाँ हीरा, हेलो, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। हीरा नहीं, मैं बात कर रही हूँ शाहीन खाला, मुझसे बात करो। वैसे भी मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बातें बतानी है। क्या? हमारी सगी बनकर गर्भवती बनी हुई है तू? शादी की तैयारियां तो खूब हो रही हैं, कमरा छोड़ने की तैयारी भी करो। अगर तुम वहां पे तमन्ना का रिश्ता तय करके नहीं आई ना, तो फिर वहीं रहना, आराम करना मां के घर। मैं तेरी ड्रामेबाजियां अभी ठीक करती हूं। उठा जा, क्या कर लेंगे आप? नहीं, बस बहुत हो गई है, बहुत कर ली तुम्हारी माँ ने अपनी मर्जी, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी, और तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम यहां आकर कोई फैसला नहीं करोगे। समझ आ गई तुम्हें? हमारा आखिरी फैसला है ये, बस। एजेंट को पैसे देने जा रहा? नहीं। क्यों? अब मैं बहुत परेशान हूं। क्यों बेटा,
मैंने तुम्हारी परेशानी दूर करने की कोशिश तो की है। यही सोच रहा हूँ कि आपने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है और उधर पहुंच गया, अगर मैंने इतने पैसे जल्दी से ना कमाए तो ये घर भी जाएगा और सूद का कर्ज भी बढ़ जाएगा। सोचा तो मैंने भी इस बारे में। बहरहाल होगा वही जो अल्लाह को मंजूर। अब्बू, कभी कभी हम अपने ही हाथों से चीज़ें बिगाड़ देते हैं और अल्लाह के सपोर्ट कर देते हैं, और जब नतीजा निकलता है तो अल्लाह को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अल्लाह ने सूद लेने से मना किया है, और जिस काम का ही आगाज़ गलत काम से किया जाए उस काम में बरकत कहाँ से आएगी। मैं जानता हूँ बेटा, तो फिर तुम ही बताओ कि हम क्या करें। यहाँ तुम काम नहीं करना चाहते और तुम्हें बाहर भिजवाने के लिए इतना पैसा कहाँ से आता। एजेंट ने पहले वाले पैसे भी देने से इनकार कर दिया। क्यों, तुमने उससे वापसी का मुतालबा किया था? मैं गया था उसके पास बहुत परेशान होकर। एजेंट लोग पैसे इतनी आसानी से वापस नहीं करते। देखो बेटा, अब भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम्हारा दिल मानता है तो जाके पैसा दे दो, और दिल नहीं मानता तो फिर तुम्हारी मर्जी। कामरान, आपने शुजा भाई से बात की? नहीं, मैं काम में बहुत बिजी था, नहीं किया अभी तक। कामरान प्लीज बात कर लें, मैं परेशान हूँ घर पे, अम्मी की तरफ भी नहीं जा सक रही। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, मैं करता हूँ। हेलो हेलो शुजा भाई, शुजा भाई आप ठीक तो है ना? सब खैरियत है? नहीं शुजा भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। यार कामरान, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता। शुजा भाई क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना? हेलो हेलो सानिया, क्या शुजा भाई से बात हुई? हाँ, मैंने अभी उन्हें फोन किया था, मेरी बात हुई है लेकिन पूरी तरह बात नहीं कर सके वो। मुझे लग रहा है कि शुजा भाई किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन तुम घर में किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना, समझी? घर वाले बिला वजह परेशान हो जाएंगे।
माँ तो वो होती है जो जो अपने आप को धूप में रख के बच्चों को छांव में रखती है, और एक तुम हो, तुमने मुझे खुले आसमान के नीचे फेंक दिया। किस किस्म की माँ हो तुम? और तुमने तुमने मेरे बच्चे का भी ख्याल नहीं किया, उसको खाने तक के लिए नहीं दिया। तुमने मेरा मुझसे मुझ बरसर छीना ना। अब तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखोगी, तो मेरी लाश देखोगी, तब तुम्हें एहसास होगा। शुजा कैसी बातें कर रहे हो तू बेटा? अरे मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ शुजा? बस बस, अब मैं जिंदा रहूंगा तो सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए, सिर्फ अपने हिरा के लिए, सिर्फ अपने मुबशर के लिए। अरे शुजा, हेलो शुजा, शुजा ये क्या हो गया शुजा को? अरे इसको इसने किसने कह दिया ये सब कुछ? किसने पटिया पड़ा दिया सिर्फ मेरे बच्चे को? क्या हो गया ऐसे? ये कैसे बोल रहा था? ये तो कभी ऐसे नहीं बोला मेरे साथ। ये अल्लाह, मेरा शुजा ऐसे कैसे बोल सकता है मुझसे? ऐसे बात कैसे कर सकता है? ये अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे, हाय तमन्ना, तमन्ना, हाय मेरे अल्लाह, ये अल्लाह, तमन्ना, तमन्ना, हाय ये अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया? अल्लाह शुजा, शुजा तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता कहाँ हूँ। तुम ठीक तो हो ना? काश तुम देख सकते कि मैं कैसा हूँ। यार वो पुलिस आई थी तुम्हारी तलाश में, मेरे पास भी आई थी तुम्हारा स्केच लेकर। क्या? क्यों? क्या तुम किसी ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हो? नहीं भाई, हरगिज नहीं। तो फिर वो तुम्हें तलाश क्यों कर रहे हैं? अबे यार, वो मैं जिस सरदार जी की दुकान पे काम करता था वो ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व था। लड़कों को ड्रग्स बेचता था। फिर उसकी दुकान पे उस दिन छापा पड़ा तो मैं वही था, बस इसलिए। यार मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम पकड़े गए ना तो वो तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। हाँ भाई, पता है मुझे जो काम कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, सब उल्टा ही हो रहा है। तुम हौसला आने की कोशिश मत करना, पुलिस वाले दोबारा आएंगे तुम्हारी तलाश के अंदर। जी ये भी मुझे अच्छी तरह पता है कि अब मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अपना ख्याल रखो यार, खुदा हाफिज। आपी, लाए मुझे ना, मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ। आजा 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 मामू के जान। अब घूमने जा रहे हैं, फल ले आना। अच्छा मिले आऊंगा। अब क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह परेशान फिर रही हो? नहीं, इस बात के बाद शुजा ने फोन तो नहीं किया ना। हिरा, क्या हो गया तुम्हारी अकल को? तो मामू और नानी भी पाल सकते हैं। अगर शुजा इस दफा वापस नहीं आए या उसने तुम्हें वहां नहीं बुलवाया तो मैं बता रही हूं तुम्हें कि मैं तुम्हारी तुम्हारी खुला के लिए दरखास्त दायर कर दूंगी। क्योंकि वैसे भी जो मर्द औरत की हिफाजत ना कर सके, उसके हकूक पूरे ना कर सके, उससे खुला लेने का पूरा हक हासिल है औरत को। तुम्हें एतबार नहीं अपनी माँ? मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। एक आबिद जिन पर मैं एतबार कर सकती हूँ, मगर मैंने शुजा से कभी खुला लेने का सोचा भी नहीं था। मैं उसके बगैर कैसे?
सारी जिंदगी मैं भी इसी गलत फहमी में मुब्तला रही, यही सोचती रही कि शायद मेरी मोहब्बत तुम्हारे अब्बू को वापस ले आए। सारी जिंदगी खुद को झूठी तसल्लियां देती रही, झूठ बोलती रही खुद से कि शायद वो वापस आ जाए, लेकिन वो तो क्या थे, उनकी लाश भी वापस नहीं आई। एक दफा हिम्मत कर लो, सारी जिंदगी घुट घुट के मरने से बेहतर है एक दफा खुली फजा में सांस ले लो। मान लो, मान लो इस हकीकत को कि शुजा अब कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। मगर अभी शुजा के साथ मोहब्बत के जिस रास्ते पर मैंने कदम रखा था, मैं उसे कैसे हट जाऊं? हमेशा औरत ही ऐसा क्यों सोचे? औरत ही अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगाए? हमेशा मर्द क्यों नहीं लगाता? अगर उसे तुमसे इतनी मोहब्बत है तो वो सब कुछ छोड़कर वापस क्यों नहीं आ जाता है? लेकिन मैं जानती वो कभी भी वापस नहीं आएगा। हिरा, अगर तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अभी एक कदम नहीं उठाओगी तो याद रख, सारी जिंदगी जिंदा लाश बनकर फिरती रहोगी मेरी तरह। कामरान, हाँ बताओ यार, कल फोन किया था तुमने? जी शुजा भाई, शुजा भाई फहद ने किसी एजेंट को यूरोप आने के लिए पैसे दे दिए। नहीं 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 कामरान, उसे रोको, उसे प्लीज रोको, उसे हर गिज मत आने देना यहाँ प्लीज यार। मैं यहाँ काफी हूँ सड़ने के लिए, यहाँ सिर्फ जिल्लत और रसवाई है मेरे भाई, प्लीज उसे रोको। मैं उसे इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहे। यार तुम मना करो उसे, फौरन जाके उसे मेरी फोन पे बात करवा फौरन, मुझे नहीं पता, सुन रहे हो? अच्छा चले मैं करवाता हूँ आपकी बात। ओके ओके ओके। अल्लाह बहुत परेशान लग रहे हो।
तो जिंदगी से भाग रहा हूँ, लगता है मौत निजात दे सकती है मुझे। बहुत मायूसी की बातें कर रहे हो, क्यों भाई? बोलो बताओ क्या बात है? यार मैं एक होटल में काम करता था एक सरदार जी के लिए, वो किसी किस्म के ड्रग्स के बिजनेस में मुलाविस था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। उस दिन पुलिस आई, छापा मारा और मैं भी मारा गया, लेकिन मैं गुनाह हूँ, मेरे को यकीन ही नहीं कर रहा। भाई तुम तो फंस गए हो, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं ले चलूँ। देखो भाई मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, अगर एतबार है तो चलो मेरे साथ, वरना सर आपने मुझे बुलाया? हाँ कामरान मैंने तुम्हें बुलाया है, मुझे तुम्हें कहीं साथ लेके चलना है। कहाँ जा रहे हैं सर? ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर भी कुछ तो बताइए। अरे इट्स अ सरप्राइज। चलो 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 कम ऑन लेट्स मूव, आ जाओ आ जाओ। फहद प्लीज देखो मेरी बात पे यकीन करो, यहाँ बहुत जिल्लत है, इलीगल बंदे की कोई हैसियत नहीं यहाँ पे, प्लीज मेरे भाई मत आना यहाँ पे। इस सौदे में सिर्फ नुकसान है, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ, मौत का सफर तय करके यहाँ तक पहुंचा हूँ यार, पता नहीं पहुंच भी कैसे गया, 30 में से सिर्फ 6 बच गए थे। यहाँ के इन लोगों के हाथों इतना जलील हुआ हूँ कि कुछ भी याद नहीं रहा। बहरहाल प्लीज मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई मत आना यहाँ पे। कम इन कमरान, दिस इज योर न्यू ऑफिस एंड दैट्स योर सीट। बहुत बहुत मुबारक हो। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा ये मेरा ऑफिस है। यस माय डियर, टेक योर सीट, बैठो। थैंक यू सर, सर थैंक यू वेरी मच। बस देखो कामरान, ये तुम्हारी हार्ड वर्क और लगन का नतीजा है कि कतर की कंपनी ने अपने ऑफिस के लिए तुम्हें मैनेजर बनाया। वंस अगेन बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। सिट डाउन, बैठो। सर आपके भरोसे और आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। कामरान मैंने तुम्हारे अंदर स्पार्क देखा है एंड आई एम श्योर कि तुम इंशाल्लाह बहुत तरक्की करोगे। इंशाल्लाह सर। सर मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरा एक दोस्त है सर, उसके पास भी कोई तजर्बा नहीं है और कोई सिफारिश भी नहीं, मैं उसको यहाँ अपने ऑफिस में जॉब पे रख लूँ। व्हाई नॉट, तुम्हारा अपना ऑफिस है, तुम जिसे चाहे अपॉइंट करो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ फिर अभी। हाँ बेस्ट ऑफ लक। जी सर। ओके बाय। बच्चा कहाँ गए थे आप लोग, इतनी देर से आए? हाँ वकील के पास गई हुई थी। क्यों? तुम्हारी खुला के लिए। खुला? अभी क्या आप खुला नहीं लेना चाहती? की मर्जी, उनको ज्यादा पता होगा ना।